संख्या 14 प्रत्याशियों में होगी भिड़ंत। डॉक्टर बोपचे को मनाने में सफलता, पूर्व सांसद व विधायक खुशाल बोपचे को मनाने में भाजपा को सफलता मिली है। उन्होंने गुरुवार को भंडारा में पत्र परिषद लेकर स्पष्ट किया था कि वे भाजपा उम्मीदवार सुनील मेंढे के साथ है। उन्होंने बताया कि नितिन गडकरी व अन्य पदाधिकारियों से साथ हुई चर्चा के पश्चात उनका समाधान किया हुआ, अब नाराजगी की कोई बात नहीं है। अंतिम दिन 9 नामांकनों की वापसी, भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के लिए 11 अप्रैल को होने जा रहे चुनाव मैदान में नामांकन वापसी के बाद 14 उम्मीदवार शेष रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुल 34 उम्मीदवार ने आवेदन भरा था। छटनी में 23 उम्मीदवारों के आवेदन वैध रहे थे। इन 23 में से 9 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिए है। इसके पश्चात अब 14 उम्मीदवार शेष रहे हैं। नाम वापसी की अंतिम दिन नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवार में से है डॉक्टर प्रकाश मालगावे, विकास जियालाल राउत, अतुल हलमारे, ज्ञानी राम बाजीराव आमकर, डॉक्टर खुशाल बोपचे, राजकुमार भेलावे, मुनीश्वर काटेखाए, राजू राम निर्वाण एवं तारका देवी दास नेपाली का समावेश है। राजेंद्र पटले ने की बगावत, इंजीनियर की नौकरी छोड़कर राजेंद्र पटले ने भाजपा के लिए कार्य किया। बीच के समय मनमुटाव के बाद उन्होंने किसान गर्जना संगठन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। वहां उन्होंने शिवसेना जिला प्रमुख के तौर पर भी काम किया। वर्ष 2018 के लोकसभा उपचुनाव के पूर्व उन्होंने पूर्ण घर वापसी की थी। बताया जा रहा है कि राजेंद्र पटेल को लोकसभा चुनाव की टिकट की उम्मीद थी। उम्मीद पूरी न होने से उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। पटले को मनाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं ने प्रयास किए थे, लेकिन राजेंद्र पटले को नहीं मनाया जा सका। दिलचस्प होगा मुकाबला। नाम वापसी के पश्चात चित्र साफ हो चुका है। मुख्य भिड़ंत भाजपा प्रत्याशी सुनील मेंढे व राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रत्याशी नेता पंचबुती के बीच होगा। कैंडर बेस वोट बैंक की बदौलत डॉक्टर विजय राजेश नांदुरकर बहुजन समाजवादी पार्टी भी चुनौती दे रही है। वही पारंपरिक रूप से भाजपा समर्थक रहे पोवार समाज के राजेंद्र पटले के चुनाव में बने रहने से मुकाबला दिलचस्प होगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।